साल 2023 खत्म होने वाला है और 2024 के आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नए साल की नई उमंग के साथ 2024 का वेलकम करने से पहले आज हम आपको एक बार फिर 2023 के फ्लैशबैक में ले जाने वाले हैं। इस साल कई सितारों ने शादी कर अपने जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की, वहीं कई कपल्स ने अपनी फैमिली में नन्हे मेहमानों का वेलकम किया। हालांकि हर किसी के लिए साल 2023 इतना खूबसूरत नहीं रहा, क्योंकि इस साल कई स्टार्स कपल्स के बीच अनबन के चलते उनका तलाक हो गया और उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म कर ली। इसके अलावा कई सिंगल सितारों ने एक बार फिर अपने फैंस का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उनकी शादी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आइए जानते हैं इंडियन ग्लैमर जगत के किस कपल का हुआ था ब्रेकअप और किसका हुआ था तलाक। सबसे पहले बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया भट्ट की। बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकारों में गिने जाने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्क्रीन केमिस्ट्री भले ही सबसे खास रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में अपनी पूर्व पत्नी आलिया के साथ उनका रिश्ता ज्यादा खूबसूरत नहीं रहा। शादी के 11 साल बाद नवाजुद्दीन और आलिया के आपसी झगड़े ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। आलिया ने नवाज पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने बच्चों को माँ से दूर रखने का भी दावा किया। कई महीने तक चले एलिगेशंस के दौर के बाद नवाज और आलिया ने आखिर में एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। फिलहाल दोनों अलग रह रहे हैं और उनका मामला कोर्ट में है। इसके अलावा बात करते हैं तारा सुतारिया और आदर जैन की। तारा सुतारिया और आदर जैन की मुलाकात 2018 में करण जौहर की दिवाली पार्टी में हुई थी। इसके बाद इस कपल को अक्सर अलग अलग पार्टी और इवेंट में देखा गया। तब से कथित तौर पर कहा जाता था कि दोनों डेटिंग कर रहे थे और जनवरी 2023 में वो अलग हो गए। अपने एक इंटरव्यू में तारा सुतारिया ने कहा, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तारा और आदर ने आपसी सहमति के साथ अलग होने का फैसला किया और हालांकि अब दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रह रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की, जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। बिग बॉस 13 के फेम कपल हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का ब्रेकअप हो गया। हाल ही में हिमांशी ने पोस्ट शेयर कर अपने ब्रेकअप की जानकारी दी थी। हिमांशी के मुताबिक उन्होंने अलग धर्म होने की वजह से ये फैसला लिया। बता दें कि आसिम ने नेशनल टेलीविजन पर हिमांशी को प्रपोज किया था। इसके अलावा बात करते हैं कुशा कपिला और जोरावर सिंह की। पॉपुलर कॉमेडियन कुशा कपिला ने पति जोरावर सिंह अहलूवालिया से तलाक लेने की अनाउंसमेंट की थी। कुशा ने बताया कि उन्होंने अपनी आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। बता दें कि कुशा और जोरावर ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया और साल 2017 में सीक्रेट वेडिंग की। इसके अलावा बात करते हैं अरबाज खान और जॉर्जिया एंड्रियानी की। 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे अरबाज खान और जॉर्जिया एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। दोनों ने हाल ही में ब्रेकअप का ऐलान किया। जॉर्जिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो हमेशा अरबाज से अच्छा कनेक्शन बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन दोनों के रास्ते फिलहाल अलग हो चुके हैं। इसके अलावा बात करें टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस चारू असोपा भी अपने पति राजीव सेन से अलग हो चुकी हैं। कपिल ने 2019 में शादी की थी, लेकिन रिश्ते में लगातार आ रही दिक्कतों की वजह से दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। बता दें कि चारू और राजीव की एक बेटी है जिसका नाम जियाना है। उनकी बेटी एक्ट्रेस के पास ही रहती हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुमकुम भाग्य फेम एक्टर जिशान खान की। उन्होंने भी एक्ट्रेस रेहाना पंडित से भी इस साल अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। कपल ने 2 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद इस साल ब्रेकअप कर लिया। एक्टर ने खुद इंस्टा पोस्ट कर अपने ब्रेकअप का ऐलान किया था। बता दें कि जिशान और रेहाना कुमकुम भाग्य के सेट पर ही मिले थे। फिलहाल ये थी वो जोड़ियां जिन्होंने अपने रिश्ते को एक दूसरे से अलग कर लिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।